या नेशनल डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करने के बाद मैं किसी दूसरी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन को देकर आईएएस आईपीएस या स्टेट सर्विसेज को ज्वाइन कर सकता हूँ? यह एक ऐसा सवाल है जो बहुत सारे कैंडिडेट्स के माइंड में चलता रहता है। देखिए, आपको समझना होगा, जब आप नेशनल डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करते हैं तो यह माना जाता है कि आप आगे जाकर आर्म फोर्सेस को ही ज्वाइन करेंगे और आप किसी दूसरी सर्विसेज को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। पर स्टिल अगर आप किसी दूसरी सर्विसेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एनडीए से रिजाइन करना होगा और इसके लिए आपको सारे पैसे भारत सरकार को वापस करने होंगे जो कि आपकी ट्रेनिंग के ऊपर खर्च हुए हैं, जो लगभग 50,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से होता है। पर मेरा सभी को यह सजेशन रहेगा कि अगर आपने एक बार ये सोच लिया है कि आपको आर्म फोर्सेस ही ज्वाइन करना है तो कोई दूसरा ख्याल आपके माइंड में नहीं आना चाहिए। जय हिंद।